प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं लूनेश कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछान पेरी जिला रायपुर में व्याख्याता के रूप में पदस्थ हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा सातवीं विषय हिंदी का। इसके अंतर्गत हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 और पाठ का शीर्षक है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। प्यारे बच्चों, इस पाठ का एक अंश हमने पहले अध्ययन किया है। इसमें हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जो बर्मा के मांजले जेल में हैं, जब वे वहां जाते हैं तब उन्हें यह ज्ञात होता है कि उस मांजले जेल में उनसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन के 6 कठिन वर्ष उस जेल में उन्होंने बिताया था। और यह जब उन्हें पता चलता है तब उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं स्मृतियों को संजोकर वे श्री एनसी केलकर को पत्र लिखते हैं। पत्र में वे उल्लेख करते हैं कि किस तरह से मांजले जेल की विषम परिस्थितियों में लोकमान्य ने अपने जीवन के कठिनतम वर्ष बिताए हैं। उस जेल में लोकमान्य तिलक को किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता था, मिलने दिया भी जाता था तो पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में। इन 6 वर्षों में मुश्किल से उन्हें 2 या 3 भेंटों का ही अवसर प्राप्त हुआ था और उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्र से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही तो है, और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। प्यारे बच्चों, यहां एक शब्द आया है अखबार। अखबार का तात्पर्य होता है समाचार पत्र। यंत्रणा, यंत्रणा का मतलब होता है पीड़ा या सजा। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था। क्यों मंद गति से खिसक रहा था? क्योंकि लोकमान्य तिलक यदि होते इस अवधि में तो निश्चित रूप से देश की जो क्रांति की गति है वह कुछ अलग होती। क्योंकि एक प्रमुख नेता, प्रमुख क्रांतिकारी नेता जो देश की जनता को आगे ले जाने चाहते थे, जो आगे ले जा सकते थे क्रांति के लिए, उनके न रहने पर निश्चित रूप से जो राजनीतिक गति है वो मंद पड़ गई थी। इसलिए कहा गया कि देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था, और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है, अर्थात बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। देखिए, मंद एक शब्द आया है, मंद का मतलब होता है धीमी। तो धीमी गति से उनके द्वारा जिस आंदोलन को बढ़ाया गया था वो धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, और ऐसी अवस्था उन्हें निश्चित रूप से संतोष नहीं देने वाली थी। प्यारे बच्चों, उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे, और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। राजबंदियों, यह शब्द आया है, देख रहे हैं आप, राजबंदियों का तात्पर्य होता है राजा के बंदियों। ऐसे ही दिनचर्या, दिनचर्या का तात्पर्य होता है प्रतिदिन के कार्य। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी, मधुमेह जिसको आज हम शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। जब लोकमान्य यहां थे, कहां, मांजले जेल में, तब मांजले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा जैसा आजकल है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जो है विचार करते हैं। अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहां की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली है, और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है,
तो लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा, जीवन शक्ति अर्थात जीवन की शक्ति। लोकमान्य को वयोवृद्ध कहा गया। वयोवृद्ध का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति अपनी जवानी की अवस्था को पार कर लेता है, इसके बाद जैसे बूढ़ा होता है व्यक्ति, वृद्ध होता है, तो जवानी के बाद जो वृद्धावस्था आती है इस मध्य में जो व्यक्ति होता है इसे कहा जाता है वयोवृद्ध। तो ऐसे ही वयोवृद्ध थे लोकमान्य तिलक जी। लेकिन इस कारागार की चार दीवारियों में उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है कि उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है और जीवन को दुभर बना देती है। दुभर का तात्पर्य होता है कष्टयुक्त या कठिन। जेल में रहते हुए लोकमान्य जीवन कैसे अपना समय बिताते थे, इसके विषय में आगे सुभाष चंद्र बोस पत्र में उल्लेख करते हैं। कहते हैं, वे गीता की भावना में मगन रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणा से ऊपर रहते थे। क्यों? क्योंकि गीता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें कर्मयोग की शिक्षा दी गई है, भक्ति योग की शिक्षा दी गई है, ज्ञान योग की शिक्षा दी गई है। तो इस कारण से वे जेल में रहते हुए चूंकि गीता का अध्ययन करते थे इसलिए वे दुख और यंत्रणा से ऊपर रहते थे। अर्थात जेल के जो दुख और यंत्रणा हैं वे उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूं कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। विवश का तात्पर्य होता है मजबूर। हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। देखिए, लोकमान्य ने किन पीड़ाओं को झेला, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं, इसलिए देश के लोगों को उनके विषय में कुछ पता नहीं रहा होगा, ऐसा सुभाष चंद्र बोस विचार करते हैं। यहां एक शब्द आया है देशवासियों। देशवासियों का तात्पर्य होता है देश के वासियों। यहां षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी हैं। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते। देखिए, इस संसार को भगवान ने बनाया है, ये विश्व जो है भगवान की कृति है, लेकिन जेलों को मानव की कृतित्व, कृतित्व मतलब किया हुआ, अर्थात जेलों को मानव ने बनाया है और जिन जेलों को मानव ने बनाया है वहां मानव के द्वारा बनाए हुए नियम कानून जो है लागू होते हैं। वहां पर विधि का अर्थात ईश्वर का जो कानून है, उनके जो नियम हैं वे लागू नहीं होते हैं। यहाँ ये चूंकि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है इसलिए यहाँ मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते हैं। अपनी आत्मा के ह्रास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। देखिए, हम अपने घरों में रहते हैं, हमारी एक नियमित दिनचर्या होती है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं डाल सकता है। लेकिन जब जेल में रहते हैं तब वहाँ पर हमारी दिनचर्या हमारे अपने हिसाब से नहीं होती है। वहाँ जो जेल के नियम कानून होते हैं उसके अनुसार हमारी दिनचर्या नियत होती है।
केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था। और गीता भाष्य जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। जेल में रहकर लोकमान्य तिलक गीता का अध्ययन करते थे और गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा है। भाष्य का मतलब होता है टीका या व्याख्या, अर्थात गीता की व्याख्या उन्होंने गीता भाष्य नामक पुस्तक में किया है। सुभाष चंद्र बोस आगे बात करते हुए कहते हैं, मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूं उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूं। आशा करता हूं कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे कि किस तरह से लोकमान्य ने जेल में रहते हुए क्या क्या कठिनाइयां झेली और उन कठिनाइयों के बीच विपरीत स्थितियों में उन्होंने गीता भाष्य जैसे महान ग्रंथ की रचना की। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। किन्हें प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए? लोकमान्य तिलक जी को। यहां एक शब्द आया है अंधकारमय। अंधकारमय का तात्पर्य होता है अंधकार से युक्त। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूं तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। अर्थात उस जेल में रहते हुए, मांडले जेल के विपरीत वातावरण में रहते हुए वे कृशकाय हो गए थे, दुर्बल हो गए थे। यदि उन्हें जेल से नहीं निकाला जाता तो हो सकता है जेल में ही उनका अंतकाल हो जाता। अर्थात उनके अंतकाल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्हें जेल से बाहर निकाला गया या जेल से मुक्त किया गया। यह एक शब्द आया है नमस्कार। ये कैसे बना? नमः धनकार इति नमस्कार, यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे। किस प्रकार खोते रहे? जैसे हमने लोकमान्य को खोया, ऐसे ही और भी अन्य महापुरुषों को भी हमने ऐसे ही खोया है। लेकिन मैं यह भी सोचता हूं कि क्या वह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था? ये जो बातें हैं सुभाष चंद्र बोस जो है अपने पत्र में उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से वे अपने पत्र बात करते हैं और पत्रों की भाषा आप जानते हैं। जब हम पत्र लिखते हैं तो अंत में हम किसी को या तो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी एन सी केलकर के लिए आदर पूर्वक ये संबोधन लिखते हैं। और साथ साथ हम लिखते हैं जिस पत्रों में, उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे बच्चों, अभी इस पाठ के माध्यम से हमने लोकमान्य तिलक के जीवन के विषय में बहुत से अनछुए जो पहलू रहे हैं इनसे हमने परिचय प्राप्त किया। उनको जेल में किस तरह की यातनाएं सहनी पड़ी इसके विषय में जानकारियां प्राप्त हमने किया, और जेल में रहकर किस तरह से वे अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखे, और ये मानसिक संतुलन बनाकर रखते हुए उन्होंने गीता भाष्य जैसी एक महान ग्रंथ की रचना की, इसके विषय में भी हमने जानकारियां प्राप्त की। तो निश्चित रूप से सुभाष चंद्र का पत्र इस पाठ के माध्यम से
या कहें कि इस पत्र के माध्यम से हमें अपने देश के महापुरुष लोकमान्य के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। तो ऐसे ही हमारे देश के और जो अन्य महापुरुष हैं इनके विषय में भी जानकारियां प्राप्त करने की रुचि हमें उत्पन्न होनी चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, हमें जानना चाहिए अन्य महापुरुषों के जीवन के विषय में। आइए अभी हमने जो अंश पढ़ा इसके आधार पर कुछ गृह कार्य के प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूं, आप लिखें, आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है। पहला प्रश्न लिखेंगे, लोकमान्य दुख और यंत्रणा से कैसे ऊपर रहते थे। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने किस पुस्तक की रचना की और उसका विषय क्या है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, नेताजी के अनुसार आजकल के नौजवान को मांगले के जलवायु से क्या शिकायत है। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और साथ ही साथ अपने आसपास के जो महापुरुष रहे हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने योगदान दिया है, ऐसे महापुरुषों के विषय में अपने पालकों से चर्चा कर भी आप लिखेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और इन्हीं भावनाओं के साथ नमस्कार।